बुद्ध के ज्ञान को जो प्राप्त कर लेता है वो बुद्ध जैसा ही बुद्धिमान बन जाता है, वो बुद्धि के परे उठ जाता है, वो बुद्धत्व प्राप्त कर लेता है। बुद्धत्व प्राप्त करना इतना आसान नहीं है। बुद्धत्व एक प्रकार की शक्ति है जो हमें क्रोध, मोह, लोभ, लालच, द्वेष, रीस, राग इन सब से दूर रखती है। आज के समय में हर कोई बुद्ध नहीं बन सकती। इसके लिए हर चीज में, हर कार्य में, हर विचार में, हर परिस्थिति में संयम चाहिए। एक ऐसी शक्ति चाहिए जो हमें विचलित ना कर सके, जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। चाहे कितना भी बुद्धिमान शक्तिशाली क्यों ना बन जाओ, पर जब हम क्रोध को नियंत्रण नहीं कर पाते, मोह माया से परे नहीं उठ पाते, तब तक हम कामयाब नहीं बन पाते। हम सबके नजरों में स्वार्थी बन जाते हैं। वे हमें सम्मान भी नहीं करते, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में पता होता है कि हम खुद को ही अपने क्रोध में, अपने लोभ में, अपने मोह माया में फंसा रखे हैं। तो दूसरों के दुख कैसे दूर करेंगे, दूसरों के मार्गदर्शक कैसे बनेंगे? और अगर हम क्रोध, लोभ, माया, मोह, ईर्ष्या, घृणा से परे उठ जाते हैं तो सब लोग हमारे पीछे पीछे चलते हैं, हमारे मार्गदर्शन पर आगे बढ़ने लगते हैं, हमसे सलाह लेने लगते हैं। सारे कायनात हमारे पीछे पीछे चलते हैं और ऐसे में हम उनसे भी नए नए बातें सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में आपको ये पता चलेगा कि हम अपने इंद्रियों को कैसे नियंत्रण करें, अपने भावनाओं को कैसे काबू में रखें कि कोई भी परिस्थिति में हमारा मन विचलित ना हो पाए। कोई अगर हमारे साथ बुरा करे तो उस पर क्रोध ना करके क्षमा का भावना कैसे मन में जागृत करे, इसी से जुड़ी एक कहानी है। और दोस्तों, इससे पहले आप कहानी में खो जाए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। एक बार महात्मा बुद्ध एक गांव में उपदेश दे रहे थे। बुद्ध के प्रवचन सुनने के लिए बहुत भीड़ लगी हुई थी। वहां पर एक शिकारी आया, वो भी बुद्ध से बहुत प्रभावित हुआ। वो बुद्ध के प्रवचन सुनने लगा। बुद्ध कह रहे थे कि हिंसा हत्या करना एक बहुत बड़ा पाप है। मनुष्य को हिंसा नहीं बल्कि सत्य का मार्ग में उतरना चाहिए। हिंसा से अबोध जीवन समाप्त हो जाता है। हिंसा करना जितना पाप है उतना ही अधिक पाप है मन में क्रोध, लोभ, रीस, राग, मोह माया पालना। इससे खुद को ही हानि होता है। इसके कारण मनुष्य एक ऐसे अंधकार में फंस जाता है कि वो खुद को उससे बाहर ही नहीं निकाल पाता है, उसके अंदर धसे चला जाता है, फंसे चला जाता है। उसके मन में बदले की भावना पैदा हो जाती है और वो खुद को कभी समझ ही नहीं पाता है। इसीलिए खुद को जानने की कोशिश करो, अपने अंदर के नकारात्मक भावनाओं को त्यागने का प्रयास करो। इनके त्याग से ही आपके जीवन में सफलता संभव है। ये सारी बातें शिकारी भी बैठा बैठा सुन रहा था। उसको प्रवचन तो अच्छा लगा लेकिन उसने उतना परवाह नहीं किया। और बुद्ध के प्रवचन समाप्त होने के बाद बुद्ध वहां से चले गए और सभी लोग जो प्रवचन सुनने आए थे वो अपने अपने रास्ते चले गए। वो शिकारी भी शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल के बीचों बीच पहुंचने के बाद वो अपने पीछे से एक तीर निकालता है और एक सुंदर तोता को मारने का प्रयास करता है ताकि वो उसे बाजार में जाके बेच सके और उससे पैसे कमा के अपने घर की राशन जुटा पाए। पर इतने में ही उसके मन में बुद्ध की बात याद आई कि हिंसा करना बहुत बड़ा पाप है। वो चाहता तो था
तोता को चोट पहुंचाना, पर एक तरफ उसका मन कह रहा था कि आज के दिन नहीं करता हूँ। वो जब तोता को गौर से देखा तो उसको दया आ गई। वो वहीं रुक गया और सोचने लगा, क्या मैं ठीक कर रहा हूँ? और उसने सोचा, जो भी हो इसी से मेरा परिवार चलता है। मैं ये नहीं करूँगा तो कहाँ से खाऊंगा, कहाँ से मेरे परिवार, मेरे बाल बच्चे जीवन चलाएंगे। और तब वो उस तोते को फिर से निशाना बनाता है और घायल करके घर में ले आता है और अपनी पत्नी को दे देता है। उसकी पत्नी उससे पूछती है कि क्या बात है, एक ही तोता क्यों लाया? तब वो शिकारी कहता है कि आज मैंने एक महात्मा के प्रवचन सुने थे कि हिंसा मत करना, तभी से मेरा मन विचलित हो गया है। मैं जब तोता पर निशाना लगा रहा था तब मेरे मन में दया आ गई और मैं एक ही तोता लाया। तब उसके पत्नी ने कहा कि क्या कोई महात्मा हमारे पेट भरेंगे? आपका जो काम है बस वो करिए। अगर तोते नहीं लाओगे तो हम कहाँ से खाएंगे? आज एक ही तोता बेच के क्या हमारा गुजारा चल जाएगा? अब से तुम कोई प्रवचन मत सुनना, नहीं तो तुम उन्हीं में फंस कर रह जाओगे। एक तो हम गरीब है, झुपड़ी में रहते हैं। अगर तुम प्रवचन में फंस जाओगे तो घर का खर्च कैसे चलेगा? इसीलिए अपने काम में ध्यान दो। काम ही पूजा है, चाहे वो पाप हो या पुण्य। शिकारी को भी समझ में आ गया कि मुझे मेरे काम में ही ध्यान देना चाहिए। वे सन्यासी है, उनका तो काम है प्रवचन देना, भाषण देना। मैं तो अपना काम करूंगा। और शिकारी के ऐसे ही शिकार करते करते कुछ दिन बीतते हैं। और एक दिन शिकारी शिकार करते करते एक जंगल के बीचों बीच पहुंचता है। वो शिकारी देखता है कि महात्मा बुद्ध एक पेड़ के नीचे तपस्या में लीन है। उन्हें तपस्या में बैठे हुए कई दिन बीत गए थे। शिकारी ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया। शिकारी ने उस दिन महात्मा बुद्ध के प्रवचन भी सुने थे और वह बुद्ध के बारे में बहुत बढ़ाई सुनी थी कि वो शांति का सागर है, क्रोध उनमें तनिक भी नहीं है, वे क्षमाशील है। किंतु वो महात्मा बुद्ध की बढ़ाई और प्रवचन से संतुष्ट नहीं था। उसने परीक्षा लेने के लिए सोचा कि क्या ये महात्मा बुद्ध खाली लोगों को ही प्रवचन देते हैं या ये भी उन मार्ग में चलते हैं? ये ढोंगी पाखंडी है या सच में सत्य बोलते हैं? आज देख ही लेते हैं। शिकारी पहले तो महात्मा बुद्ध को एक छोटा सा पत्थर फेंक कर मारता है, किंतु महात्मा बुद्ध कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि उनका मानना था कि शरीर को तकलीफ होती है, आत्मा को नहीं। ये जो पत्थर फेंक रहा है ये अज्ञानी है, ये बहुत दुखी है, इसीलिए दूसरे को दुख देना चाहता है और खुद खुशी होना चाहता है, इसीलिए ये पत्थर फेंक के प्रसन्न होना चाहता है। दूसरों को हानि पहुंचाने से इसे खुशी मिलती है, मुझे पत्थर मारने से इसे खुशी मिलती है तो ठीक है। और महात्मा बुद्ध ध्यान में ही लीन रहे, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। शिकारी कुछ समय सोचता रहा कि महात्मा बुद्ध कुछ प्रतिक्रिया करेंगे, किंतु महात्मा बुद्ध तपस्या में लीन ही रहे। कोई प्रतिक्रिया नहीं आने के बाद शिकारी गुस्से से लाल पीला हो गया और वह पुनः एक पत्थर फेंका। वह पत्थर महात्मा बुद्ध के आंखों के ऊपर लग गया और उस जगह से खून बहने लगा। महात्मा बुद्ध को आभास हुआ कि उनके शरीर से रक्त बह रही है, किंतु वह फिर भी अपनी तपस्या से नहीं उठे। शिकारी को फिर से गुस्सा आया और उसने पुनः
एक पत्थर और महात्मा बुद्ध की ओर फेंका। महात्मा बुद्ध के शरीर से खून बहने लगा। अब खून अधिक बहने लगी। इतनी पीड़ा महसूस कर महात्मा बुद्ध के आंखों से आंसू निकलने लगा। ये देखकर शिकारी बहुत चिंतित हो गया। वो पछताने लगा कि इतना सहकर भी उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और शिकारी ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर पूछा, आपको जब मैंने पत्थर मारा तो आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। महात्मा बुद्ध ने बड़े ही सरलता के साथ कहा, क्योंकि इससे मेरे शरीर को कष्ट हुआ है, मेरे मन मस्तिष्क को नहीं। शिकारी अचंभित रह गया। उसने पूछा, फिर आपके आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं? इस पर महात्मा बुद्ध ने पुनः कहा, तुम्हारे द्वारा किए गए अनुचित कार्य के परिणाम के बारे में मेरा मस्तिष्क, मेरी आत्मा विचार कर रही है कि तुमने इतना बड़ा पाप किया है, तुम्हें कैसी सजा मिलेगी। अगर मैं तुम्हारे फेंके पत्थर के बदले मैं कुछ प्रतिक्रिया करूं, तो मैं भी पाप के भागीदार बन जाऊंगा। मैं भी तुम्हारी ही तरह दूसरों को कष्ट पहुंचाने लगूंगा, तो मुझ में और तुम में क्या अंतर बच जाएगा। इसलिए मैंने कोई प्रतिक्रिया नहीं की। बुद्ध की बातों को सुनकर शिकारी महात्मा बुद्ध के चरणों में नतमस्तक हुआ और रोने लगा और बुद्ध से क्षमा याचना की। महात्मा बुद्ध क्षमाशील व्यक्ति थे। उन्होंने शिकारी को तुरंत क्षमा कर दिया और अपना आशीर्वाद दिया। वह शिकारी महात्मा बुद्ध के आशीर्वाद पाकर एक महान व्यक्ति बन गया। उसने सारे बुरे काम त्याग दिए। वह अब खेती किसानी करने लगा और कोई भी पशु पंछी की हत्या नहीं करता था। वह बुद्ध के सत्य मार्ग पर ही चलने लगा और खेती किसानी करके वह अपने जीवन निर्वाह करने लगा। वह बुद्ध के कहे अनुसार क्रोध, लोभ, घृणा, मोह, माया त्याग चुका था। वह अब संयम करना जान चुका था। अपने जीवन को सतमार्ग में ले जाना जान चुका था। वो एक शिकारी से एक महान सत्यवादी व्यक्ति बन चुका था और घर परिवार में खुशी खुशी रहने लगा और एक महान व्यक्ति और साधक के रूप में जीवन व्यतीत करने लगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, ताकि इसी तरह आपको ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिले और जीवन में अच्छे बदलाव आए। थैंक यू दोस्तों।